आपको क्या देखना है, स्पेशली आपने स्केलेटन सिस्टम क्या किया, पढ़ लिया है स्केलेटन सिस्टम यानी एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन। उसके बाद आता है हमारा क्या, मूवमेंट में मसल्स, जिसके जरिए क्या होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस स्टडी करने के लिए पहले क्या है, हमको अपने मसल्स की एक सेक्शन देखनी होती है, यानी मसल्स की सेक्शन जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मॉलर स्मॉलर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी थोड़ा धागे से मोटा स्ट्रक्चर। अगर धागे को देखो तो धागे में बहुत सारा पीओया होगा, रोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह इसमें क्या होता है, मायोफाइब्रिल पे ग्रुप्स होते हैं और उसमें क्या होता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर मिलकर बनाता है क्या, मसल बंडल्स, और ये मसल बंडल कंप्लीटली क्या बना देते हैं, मसल्स। क्लियर? अब ध्यान देना कि ये मसल्स बंडल जो निकलता है इसके ऊपर का एक मेम्ब्रेन होता है, इस मसल्स के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फैसिया। क्या बोलते हैं, फैसिया। इसी कारण इसको मसल्स बंडल्स को ये भी बोला जाता है फैसिकल्स, और इस फैसिकल्स के अंदर बहुत सारे स्मॉलर जो थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं मसल्स फाइबर। जैसे सेल में क्या होता है सार्कोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे यहाँ सार्कोप्लाज्म होता है। फिर उसके बाद सेल के ऊपर क्या होता है सार्कोलेमा, सेल के ऊपर क्या होता है सार्कोलेमा होता है ना, प्लाज्मा लेमा। सेम उसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे क्या होता है सार्कोलेमा। देन क्या होता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे सेल में होता है सेम यहाँ पे क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम इसकी सेक्शनिंग करके देखें तो इसमें क्या निकलता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं मायोफाइब्रिल या स्मॉलर धागेनुमा संरचना। इसकी जब हम एक छोटी सी सेक्शन करेंगे तो मायोफाइब्रिल पूरे ग्रुप होते हैं किसकी, सार्कोमियर की। अब ये इसकी अगर हम एक सेक्शन करके दिखाएं तो यहाँ पे सार्कोमियर के बहुत सारे स्पेसेस बने हुए हैं। सार्कोमियर स्पेशली होता क्या है, सार्कोमियर ये है दो जेड बैंड के बीच की स्पेस, जो दो जेड बैंड बीच की स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं सार्कोमियर। इस जेड बैंड को यहाँ और यहाँ देख सकते हो, जेड बैंड के ऊपर, जेड बैंड के ऊपर एक हल्की या लाइट बैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्टिन या फिर आई बैंड। अब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि एक्टिन बैंड है, और इसके बीचों बीच एक डार्क बैंड होता है जिसको क्या बोला जाता है मायोसिन या फिर ए बैंड। अब इन दोनों के बीच में एक आई के और एक ए के, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्पेस होता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं जाता, वो सिंपल होता है, इसके सामने क्या होता है उसको क्या बोला जाता है एच जोन, एच जोन या फिर हेंसन लाइन भी उसको बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब हम देखते हैं ए के और आई के ऊपर कुछ एरिया ऐसी होती है जिसके ऊपर क्या होता है एक दूसरे के ऊपर ये क्या करें किए रहते हैं क्लच किए होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किए होते हैं। तो वहां से यानी ये स्पेस और ये स्पेस जहां तक ए आई बैंड और ए बैंड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किए हुए हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है एनआइसोट्रॉपिक। देन कुछ लाइट बैंड या फिर आई बैंड या एक्टिन बैंड का कुछ ऐसा प्लेस होता है जहां पे कोई रीजन नहीं गुजरा होता उसको क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक लाइन। फिर उसके बाद ये एच जोन जो होता है इसके बीचों बीच एक पतली सी मेम्ब्रेन बनती है जिसको क्या बोलते हैं एम लाइन या एम मेम्ब्रेन। देन इसके बाद अब इसकी हम सेक्शनिंग देख सकते हैं, स्पेशली एक्टिन को अगर देखा जाए तो एक्टिन क्या होता है स्मॉलर स्फेरिकल ग्लोब लाइक या छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के कारण इसको क्या बोला जाता है फिलामेंटस, एक छोटे छोटे फिलामेंट की तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको फिलामेंटस भी बोलते हैं या फिर एफ प्रोटीन या इसको बोलते हैं क्या एफ एक्टिन। देन ये ग्लोबुलर है यानी ग्लोब लाइक, इसलिए इसको ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोलते हैं या फिर ग्लोबुलर बोलते हैं या फिर स्फेरिकल बोलते हैं, और सबको मिला के क्या बोला जाएगा जी एक्टिन। देन इसके बाद आता है क्या, अगर हम इसकी पूरी साइड यानी एक्टिन या फिर आई बैंड की साइड की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे प्लेस बनते हैं जहाँ पे क्या होता है इसके कुछ बाइंडिंग साइट होते हैं जिसपे ये क्या कर सकता है, ये दूसरे वाले बैंड से यानी आई बैंड है तो ये किससे एम बैंड से, एम नहीं किससे मायोसिन बैंड या फिर ए बैंड से क्या कर सकता है बाइंड करने के लिए इसके पास एक्टिव साइट होते हैं। सेम यही साइट इसके पास भी होता है किसके पास ए बैंड के पास। अब ये जो बाइंडिंग साइट है इसके ऊपर एक धागेनुमा स्ट्रक्चर गुजरा होता है जिसको क्या बोला जाता है, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से गुजरा रहता है जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप यहाँ सामने देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये इस प्रोटीन को क्या बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन क्या है, सबको एक दूसरे से क्या किया है पूरे फिलामेंट या ग्लोबुल को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। अब ये जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है जस्ट इसके एक्टिव साइट पे अगर हम देखें
तो यहाँ एक प्रोटीन और जुड़ती है, आप कह सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन पे दो प्रोटीन अलग से जुड़ी होती हैं, एक धागे नुमा होती है जिसको ट्रोपोमायोसिन, दूसरा होती है क्या जिसको बोला जाता है टीएन। टीएन का मतलब हो गया क्या, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में तीन जो साइट होती है, पहला होता है टीएनसी, देन होता है टीएनआई और फिर टीएनटी। जो टीएनसी होता है ये क्या होता है, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट, जहां पे क्या होता है कि इसके अंदर जो मौजूद कैल्शियम होगा यानी सारकोप्लाज्म के अंदर मौजूद कैल्शियम इस पे आके क्या करता है, अटैच होता है, तभी इसकी रेगुलेशन अच्छे से चल पाती है। देन ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहा जाता है, इसके बाद क्या होता है कैल्शियम के बाइंड होते ही ये इनहिबिट करता है यानी इसको एक्टिव करता है कार्य करने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट। देन इसके बाद होता है टीएनटी, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। क्यों, क्योंकि ये पूरे ट्रोपोनिन को क्या किया है, इस एक्टिव साइट पे जहाँ पे ट्रोपोमायोसिन है इस पे सबको जोड़ के रखा है। अब जो ही यहाँ पे कैल्शियम आके अटैच होता है, अटैच होते ही ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है एक दूसरे को खींच लेता है, खींचने से क्या होगा ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यानी इधर की और इधर की दोनों एक्टिन क्या होंगे, एक दूसरे के इससे संपर्क में आएंगे, नजदीक आएंगे। उस दौरान क्या होता है कि वहां पे मौजूद ये जो साइट है इसको क्या बोलते हैं, ए बैंड। ए बैंड के पास क्या होता है, ए बैंड का अगर हम डायग्राम देखें तो ए बैंड में क्या होता है, एक होता है हेड वाला साइट और दूसरा होता है टेल वाला। जो एंड वाला साइट होता है जो क्या होता है, इस प्लेट पे कुछ इस ढंग से अटैच होता है, ठीक है, यानी ये सब जगह पूरे एक्टिव बाइंडिंग साइट पे यानी हमारे इस पे मायोसिन पे क्या होते हैं, सब जगह में ये मौजूद होते हैं, अपर एंड लोअर दोनों साइड, और ये जो ही इधर की तरफ खींचता है उस पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। हेड वाले साइट पे क्या होता है, ये ऑलरेडी दो टू होते हैं यानी ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह, यहाँ भी दो टू साइट होते हैं ग्लोब की तरह। ये हेड वाले पे एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, जिसपे क्या होता है एटीपी आके अटैच होता है, जिससे वो एक्टिव होता है उससे जाके अटैच होने के लिए। जो ही इस पे एटीपी आएगा ये तुरंत इस पोल में जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ एटीपी जो एटीपी होता है ये तुरंत टूट के क्या बना लेगा, एडीपी एडीपी प्लस आईपी, ठीक, ये तुरंत बनते ही क्या होगा, ये इससे जाके यहाँ पे इस ढंग से कुछ ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक। देन उसके कुछ समय बाद ये आईपी यहाँ से निकल के चला आएगा इस साइड, अगर ये आईपी इधर आ गया तो ये तुरंत वहां पे जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये कैल्शियम यहाँ से तुरंत एक्टिव होने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये आईपी फिर से वापस नहीं आता है। कुछ समय बाद ये आईपी वापस यहाँ फिर आता है, ये एडीपी से जो ही जुड़ता है यानी ये आईपी फिर एडीपी से जुड़ता है और ये बना लेता है क्या एटीपी। जो ही यहाँ एटीपी बनती है तुरंत क्या होती है, एनर्जी इसको मिल जाती है, ये भागना चाहेगा उस समय ये कैल्शियम रिलीज हो जाती है, यहाँ से कैल्शियम तुरंत इससे मुक्त होती है और ये वापस फिर चली जाती है किसमें, इसी सार्कोप्लाज्म में, वापस इसकी एक्टिविटी खत्म, जो हमारी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थी वो किस मोड में आ जाती है, रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इसका स्टेप था। अब यहाँ पे ये एटीपी साइट देखिए, जहाँ पे क्या हो रहा था, बाइंड हो रहा था और दूसरा हमारा क्या था, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इस बाइंडिंग साइट से यानी इसके हेड से ये जाके क्या होता है, इस वाले बैंड से अटैच होता है यानी ए बैंड आई बैंड से यही साइट पे अटैच होता है जहां पे ग्लोबुलर का एक्टिव साइट होता है। क्लियर, एनी डाउट?